वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये कैसा टाइप का सेटअप है, मैं हाथ से आज लेके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा बेहतरीन सा इक्विपमेंट नहीं तो एक चीज़ मिल गई है जो एक्चुअल में मैं अभी हैंड फ्री ब्लॉगिंग करना मतलब कर सकती हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ये। सो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊँगी। और मैं बता दूँ इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ कि हैंड फ्री ब्लॉगिंग जिस इक्विपमेंट से कर रही हूँ वो किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई मैं कौन सा वाला एक्चुअल में यूज़ कर रही हूँ। सो आज हम लोग बात कर लेंगे कि आज हम क्या बनाएंगे। सो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो पहली बार जो है मैं चोकोबार बनाने वाली हूँ, चोकोबार आइसक्रीम जो होता है वो, एंड एक्चुअल में कैसा बनता है वो एंड में तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस जैसा दिख रहा है कि भाई ईजी है, 3-4 इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा, ये हो जाएगा, कि क्या सच में वैसा होगा वो भी आपको थोरोली पता चलेगा इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग है। अगर आपको भी चोकोबार पसंद है नहीं, तो अगर कभी भी आपने ट्राई किया घर में तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से लाइट फ्लिकर हो रहा है, उससे पहले जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं प्रोसेस। गाइज़ ये वही चीज़ या यंत्र है जिससे मैं आजकल हैंड फ्री व्लॉगिंग कर सकती हूँ। अब ये जो है मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ख़रीदा है जिसका नाम टर्न टटेल ही है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना अंदर, ये एक्चुअल में ये एक स्टिक करना होता है आपके मोबाइल के बैक साइड में, एंड आप कहीं पे भी स्टिक करो तो वो रह जाता है और बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। 499 एक्चुअल प्राइस है, लेकिन मुझे वो 213 या समथिंग कुछ पड़ा था, एंड ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है, उन्होंने कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ये पीछे वाला जो है ना ये आपके मोबाइल में चिपकेगा, और ये वाला जो है वो वॉल में नहीं तो कहीं पर जाओ सर्फेस में चिपका रहे वो चिपकेगा, एंड अगर आप चाहते हो तो हॉरिजेंटली एंड उसके बाद वर्टिकली जैसे भी चिपका सकते हो। आपको अगर सेल्फी लेनी है, अगर वीडियो शूट करना है, व्लॉगिंग करना है, कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा हैंड फ्री हो जाता है ना। आप किचन में भी काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइस चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए पहले बेस जो बनाते हैं वो है क्रीम, और क्रीम के बाद हमें चाहिए हैंड ब्लेंडर जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर है। अब उसके बाद हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, 1/4 कप पिसी हुई चीनी चाहिए। मैंने क्रीम जो है वो छोटा वाला जो टेट्रा पैक में आता है ना क्रीम, फ्रेश क्रीम अमूल का, वही वाला लिया, एक ही पैकेट। और ये है मोल्ड आइसक्रीम स्टिक्स बनाने के लिए चोकोबार आइसक्रीम। सो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रीम में मैंने डाल दिया वेनिला एसेंस, आपको दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन थोड़ा, हाँ वो वेनिला एसेंस है, और पाउडर शुगर भी मैंने डाल दिया है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में ये चलाना नहीं हो पाता है। एंड देखिए मैंने हैंड ब्लेंडर से जो है बीट करना शुरू कर दिया है, और थोड़ा सा जो है ये लोग ये थिक हो चुका है पहले से, अगर आपको देखने में नज़र आ ही रहा होगा। उसके बाद मैंने और थोड़ा सा ब्लेंड किया, लेकिन मैंने जिस रेसिपी को फॉलो किया था ना उसमें क्या होता है उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पीक आ गया था। सॉफ्ट पीक मतलब इतना ज़्यादा फ्लो ही नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और हाथों से मतलब मूस जैसा कंसिस्टेंसी होता है ना, नहीं तो क्रीम जैसा कंसिस्टेंसी वैसा हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं 6-7-8 मिनट तक ब्लेंडर चलाती रही तो मेरे साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। सो मैंने देखा कि और ज़्यादा अगर हम लोग क्रीम को चलाएंगे या बीट करेंगे तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने और नहीं चलाया, मैंने मोल्ड में डाल दिया। अब जो है ये 4 मोल्ड में तो रहा नहीं, इसीलिए छोटे से ग्लास और कुल्फी मोल्ड में भी मैंने डाल दिया, और सेट होने के लिए रख दिया डीप फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए, यानी रात भर। गुड मॉर्निंग। सो जैसा आपने प्रीवियस क्लिप्स में देखा कि भाई चोकोबार जो है मैंने रात में ही सेट कर दिया था, तो ये अभी नेक्स्ट सुबह हो चुकी है, अब मैं पूरा फ्रेश व्रेश सब हो चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं क्या, चोकोबार अगर बना रहे तो बार तो बन गया, अब चोको जो नहीं तो जो ग्लॉसी सॉस बनने वाला, नहीं तो चॉकलेट सिरप बनने वाले वो बनाएंगे, और उसके बाद डिप करके फाइनली हम इस रेसिपी को कम्प्लीट करेंगे। सो जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं। गाइस अब हम लोग चॉकलेट सॉस बनाने वाले हैं, इसके लिए चाहिए तेल, अब ये चाहिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट। सो मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, 100 या 200 ग्राम ही यूज़ करने वाली हूँ, और आप देख सकते हैं मैंने वो जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो है चॉप करना शुरू कर दिया। अब इस बाउल में डाल के जो है मैं देखिए मैं चॉप करने के बाद इसे बाउल में डालूँगी और तेल भी डालूँगी, और इसमें डालने के बाद जो है इसे हम लोग मेल्ट करेंगे माइक्रो ओवन में। सो अगर आपके पास डबल बॉयलिंग प्रोसेस है, डबल बॉयलिंग मेथड में करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैंने सोचा भाई माइक्रोवन है तो उसी में ही हम लोग मेल्ट कर देंगे। देखिए मैंने तेल डाल दिया, आपको दिख ही रहा होगा वहाँ तेल डाल दिया, अभी हम लोग मेल्ट करते हैं, देखते हैं भाई कैसा बनता है। एंड बहुत ही पतला वाला बैटर पतला वाला सॉस बनना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और देखिए ये मेल्ट हो गया है,
भाई बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो सो सॉरी फॉर द मैस। और हम जो है इसमें मतलब चोकोबार कोटिंग करेंगे, तो मैंने जो है पहले वो चोकोबार सेट हो गया था उसे निकाला, फिर से फ्रिज से डिप किया और इसे फिर से डीप फ्रीजर में रख दी हूँ सेट होने के लिए। जैसा आपने देखा कि भाई चोकोबार जो है मतलब मैंने चॉकलेट में डिप कर दिया है, इतना ज़्यादा मैसी हो गया गाइज। मतलब कोई ऐसा एक रेसिपी नहीं है जिसमें मैंने ब्लंडर ना किया हो या जिसमें मैंने मैस ना फैलाया हो। आपको देख के भी लग रहा है यार ये क्या है, एकदम से मतलब बिल्कुल कुछ भी साफ सुथरा नहीं था। एंड अभी जो है मैंने सेट होने के लिए फिर से रख दिया, क्योंकि चोको सॉस में चॉकलेट सॉस में जो मैंने डिप किया उसके बाद जो फिर से मैंने सेट होने के लिए रख दिया। तो कहीं मैं जाने वाली हूँ फंक्शन में, तो वहाँ से आने के बाद जो है मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगी खा के टेस्ट करके भाई एक्चुअल में कैसा बना है। लग ही रहा था अच्छा यार, तो फिंगर्स क्रॉस अच्छा लग भी जाए ना, तो भाई लुक इसका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं नौसिखिया हूँ इसकी वजह से। सो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में जब मैं फिर से उसे निकालूंगी, फाइनल प्रोडक्ट जब दिखाऊंगी, मतलब फाइनल आउटकम जब दिखाऊंगी चोकोबार का। सो गाइज आज जो है ये नेक्स्ट डे हो चुका है, कल जो है मैं कई फंक्शन में गई थी और आते वक्त जो है मैं बहुत ज़्यादा टाइड हो गई थी, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी कि एक्चुअल में चोकोबार कैसे बनाए। सो मैं अभी फ्रिज से लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में चोकोबार कैसे बनाए और टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगी। सो जल्दी से चलते हैं। सो गाइज मैं अभी लेके आई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि निकल जा बेटा निकल जा, ये वाला हाँ कैसे बनाए। पूरा अल्टीमेट मैसी है, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कल टेस्ट किया था, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि चोकोबार जैसा टेस्ट करता है लेकिन लुक के हिसाब से एंड जो जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, एंड जैसा भी होना चाहिए मतलब थोड़ा सा ही जो है वो चोकोबार का जो चोको का लेयर होता है वो थोड़ा पतला होता है ना, मेरा थोड़ा जो मोटा हो गया जो चॉकलेट सॉस नहीं तो गनाश जो है वो और थोड़ा सा थिन होता, मुझे ऐसा फील होता है, बट क्या ही कर सकते हैं। अब इसको मैं खा के बताती हूँ फिर से आपके लिए। इसके अंदर वाला जो है ना व्हाइट कलर का जो क्रीम से हम लोगों ने बनाया था वो वाला भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है गाइस, जबकि मेरा सॉफ्ट पीक्स तक नहीं आया था, मैंने हैंड ब्लेंडर में बीट किया था 6-7 मिनट तक जैसे कि आपने देखा ही होगा प्रीवियस क्लिप्स में, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा टेस्टी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मैंने कुकिंग व्लॉग्स तो आप बनाए होंगे किसमें अच्छा नहीं बना, आप खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा मेसी है, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खा लेंगे और बुरा नहीं है। मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करो ये वाला क्या से कहते हैं ये चोकोबार, एंड प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। एंड मैं आपको अच्छा खाकर भी दिखा दी, तो बाय, टेक केयर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ गया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक ये मैं खत्म करती हूँ, एक ही खा रही हूँ ये सब घर वालों के लिए। बाय, टेक केयर।